हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल भैया। इतनी आसानी से कौन मैच जीता यार, इतनी आसानी से 10 विकेटों से जीत गई है टीम इंडिया। पहले तो जिम्बाब्वे को जो है पहले बैटिंग खिला दी और उनको मात्र 152 रन पर रोक दिया, उनकी 7 विकेटें ले ली। पिच हालांकि उस वक्त डिबली डॉबली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि भैया बाद में जो है ये रन बनाने मुश्किल हो जाएंगे, बट इंडिया ने यहाँ पे एक काम अच्छा किया, उन्होंने जो है यहाँ पे हैवी रोलर फिरवा दिया। हैवी रोलर होने की वजह से ना पिच की जो उबड़ खाबड़ थी, जो स्पिन ले रही थी वो पिच बैठ गई, जिसकी वजह से कि ऑलमोस्ट एक बैटिंग पिच बन गई और इंडिया ने ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया भैया। 15.2 ओवर्स में जो है इंडिया ने 152 रन, 156 रन बना दिए भैया, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान के। यशस्वी जायसवाल ने 93 रन मारे और वहीं अपने शुभमन गिल ने जो है 58 रन मारे। अब देखो भैया, अगर अच्छा खेलोगे तो आपको तारीफ मिलेगी, तालियां तो बनती हैं इस टीम के लिए भैया। बहुत अच्छा खेले, अच्छा खेलोगे तालियां मिलेंगी, अगर बुरा खेलोगे तो बुराई मिलेगी। तो जब बुरा खेलते हो तो हम बुराई भी करते हैं दोस्तों। अपना तो यही फंडा है भैया, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो आप लोगों ने अच्छा किया तो हम तालियां बजा रहे हैं भैया। अब एक बुराई जो चल रही है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि शुभमन गिल ने जो है अपनी 50 पूरी कर ली और यशस्वी जायसवाल जो है वो 100 बना सकते थे, उनको 100 नहीं बनाने दिया। लालच में आ गए, या ये कह लीजिए कि उनको एक जलन होने लग गई कि शुभमन गिल को, कि कहीं वो 100 ना बना जाए और मेरी जगह खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए जो है छक्का मार दिया। और उसके बाद भी जो है वो यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक नहीं दी। 18 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए, जिस और यशस्वी जायसवाल 83 पे थे, उनको 17 रन चाहिए थे अपना शतक पूरा करने के लिए। तो होना तो ये चाहिए था भैया कि शुभमन गिल जो है वो सिंगल लेते और यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भैया चौके छक्के मार दिए उस टाइम पे, अपनी तो हाफ सेंचुरी पूरी कर ली लेकिन यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी रह गई। तो भैया ऐसा है, अब डर तो हर किसी को लगता है, गला तो हर किसी का सूखता है, सबसे पहले हर कोई अपनी पोजीशन सेव करना चाहता है ना। तो मैं नहीं मानता कि शुभमन गिल जी ने जो है वो थोड़ा गलत किया, उसको ये था कि भैया पहले मेरी हाफ सेंचुरी पूरी हो जाए, मैं सबकी नजरों में आ जाऊं, यशवी जायसवाल जो है वो शतक मारे या ना मारे वो बाद की बात है, उन्होंने ये सोचा ही नहीं। और वैसे एक बात बताऊं, शुभमन गिल तो ना मुझे 100% लग रहा है कि वो इंडिया के बाबर आजम बनते जा रहे हैं। 40 बॉलों में 50 रन 55 रन मारेंगे, बिल्कुल बाबर आजम की तरह। भाई वो वैसे तो इंडिया के स्टार भी हैं, आगे कैप्टन भी हैं इस पूरी सीरीज के, तो बाबर आजम है तो इनिंग्स ऐसी ही खेलेंगे 40 बॉलों में 50 55 रन वाली, तो इसमें तो उनकी कोई गलती है नहीं। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो अगले 3 4 सालों में जो है वो ऐसा भी कर जाए कि अभी जैसे बाबर आजम जो है आई थिंक सबसे हाईएस्ट रन गेटर हैं या होने ही वाले हैं, रोहित और विराट के आसपास ही है मेरे ख्याल से, 4200 4300 रन वो T20I में बना चुके हैं, तो नंबर 1 वो होने ही वाले हैं क्योंकि दोनों तो जो है T20I से रिटायर हो चुके हैं। 3 4 5 सालों में हो सकता है अपने शुभमन गिल भी जो है वो 4 5 हज़ार रनों पे पहुंच जाए। इंडिया के बाबर आजम की तरह वो बनते जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब बाबर आजम हो, पाकिस्तानी हो और आपको जलन ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट जलन के कारण ही आप कह सकते हैं कि उन्होंने यशस्वी जायसवाल को जो है 100 नहीं बनाने दिया, कि भैया तू अगर 100 बना लेगा तो कल को मुझे कौन पूछेगा। लोग तो यही कहना शुरू कर देंगे कि अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को जो है ओपन करना चाहिए, तो शुभमन गिल कहाँ पे आएगा भाई। शुभमन गिल की तो देखा जाए तो फिर वैसे जगह ही नहीं बनेगी। अगर इंडिया की टीम भी जो प्रॉपर टीम है उसमें मान लीजिए, क्योंकि रोहित तो और विराट जैसे चले गए हैं, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जो है स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग की करते हैं, ठीक है, वन डाउन पे आप सूर्य कुमार को खिलाते हैं या ऋषभ पंत जैसे आजकल है, वन डाउन ऋषभ पंत आते हैं, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, पांचवे पे हार्दिक पांड्या, छठे पे शिवम दुबे, तो शुभमन गिल की तो जगह ही नहीं बन रही। तो भैया अगर कैप्टन रहते हुए भी आपने अगर इतना कमाल नहीं किया कि आपने 50s नहीं लगाए और दूसरे बंदे को अगर आपने नहीं रोका 100 बनाने से, तो फिर आपकी वैल्यू क्या रह गई यार। इसीलिए ही शुभमन गिल ने जो है अपने यशस्वी जायसवाल का 100 नहीं होने दिया। बाकी बहरहाल अगर मैच की बात कर लें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 152 रन सिर्फ मारने दिए थे, हालांकि पिच डिबली डॉबली थी, ज्यादा रन बन नहीं पा रहे थे। मदेवीरा और मरुमानी ने जो है हालांकि अच्छी शुरुआत दी थी,
अब तक की सबसे अच्छी जो है वो पार्टनरशिप रही थी इनकी 46 की, मेरे ख्याल से इनसे पहले की जो है फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी, इन लोगों ने दोनों मिलकर कर दी 63 रन की पार्टनरशिप 8.4 ओवर्स में। मदेवीरा ने 25 रन मारे 24 बॉलों में, मुरुमनी ने 32 रन मारे 31 बॉलों में। उसके बाद ब्रायन बेनेट कुछ कर नहीं पाए, 14 बॉलों में 9 रन मारे, लेकिन सिकंदर रजा ने कैप्टन इनिंग फिर से खेली, 28 बॉलों में उन्होंने 46 रन मारे। उसके बाद जोनाथन कैम्बल जो है आउट हो गए, गलती से आउट हो गए रवि बिश्नोई ने, हालांकि उनको बहुत ब्रिलियंटली रन आउट किया था, उन्होंने 3 बॉलों में 3 रन मारे थे। डियॉन मेरस भी कुछ खास नहीं कर पाए, 13 बॉलों में 12 रन ही मार पाए। क्लाइव मेंडेडे जो हैं, जो उनके विकेट कीपर हैं, उन्होंने 7 बॉलों में 5 रन मारे, और फरहाज अकरम ने 3 बॉलों में 4 रन मारे। यहाँ पे एक नोटिसेबल बात ये है कि जब जो जोनाथन कैम्बल की विकेट गिरी थी ना, तो 14.4 ओवर में सिर्फ 96 रन थे जिम्बाब्वे के, तो आखिरी में तकरीबन आप मान लीजिए आखिरी के 32 बॉलों में इन्होंने जो है 56 रन मारे हैं। ये जिम्बाब्वे इस चीज को पॉजिटिव ले सकती है कि आखिरी के 32 बॉलों में इन्होंने 56 रन मारे इंडिया जैसी टीम के खिलाफ। बॉलिंग की अगर बात करूं तो खलील अहमद ने 4 ओवर में 32 रन देके 2 विकेटें, तुषार देश पांडे को आज खिलाया था 3 ओवर में 30 रन 1 विकेट, रवि बिश्नोई को आज चौथी मैच के में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको कोई विकेट नहीं मिली हो इस मैच में, चारों मैचों में पहली बार ऐसा हुआ है, तो 4 ओवर में 22 रन दिए उन्होंने। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने आज अच्छी शुरुआत करी थी, और इन्हीं दोनों ने पहली शुरू की 2 विकेटें ली थी भैया इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, शिवम दुबे 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। यही एक वजह थी जिसकी वजह से कि जिम्बाब्वे जो है वो 150 के आसपास ही सिमट पाई, वरना और ज्यादा स्कोर भी वो कर सकती थी। अब आते हैं इंडियन इनिंग्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यशु जायसवाल ने 93 रन बनाए 53 बॉल्स में, शुभमन गिल ने 58 रन बनाए 39 बॉल्स में, और एक टाइम ऐसा था जब 17 रन चाहिए थे, 18 रन चाहिए थे यशु जायसवाल को, 17 रन चाहिए थे शतक पूरा करने के लिए, बट अपने शुभमन गिल जी आ गए, उन्होंने छक्का और चौका मार दिया, अपने 50 पूरे कर लिए, 58 पे पहुंच गए और यशु जायसवाल को मौका नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। रिचर्ड नगारवा है जो है उन्होंने बॉलिंग करी है 3 ओवर में 27 रन। मुजरबानी ने जो है 3.2 ओवर 25 रन। इनकी वैसे हमेशा बॉलिंग अच्छी रही है, मुजरबानी जो है जिम्बाब्वे के जो है पिकअप द बॉलर्स हैं इस पूरी सीरीज में, हालांकि आज उनको विकेट नहीं मिल पाई, उनको क्या किसी को भी नहीं मिली। चतारा जो है उन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिए, फरहाज अकरम ने 4 ओवर में 41 रन दिए, सिकंदर रजा ने 2 ओवर में 24 रन दिए। सिकंदर रजा सबसे ज्यादा पिटे हैं, कैप्टन है हालांकि उन्होंने कैप्टन नॉक खेली, बट बॉलिंग में वो सबसे ज्यादा पिटे हैं। और ब्रायन बेनेट ने 1 ओवर में 16 रन दिए, तो माफ कीजिएगा ब्रायन बेनेट सबसे ज्यादा पिटे हैं, सिकंदर रजा ने 12 की इकोनॉमी से रन दिए, इन्होंने 16 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। मैच के लिए ज्यादा कुछ दोस्तों बोलने के लिए है नहीं, इंडिया ने आराम से सीरीज भी जीत ली है, कल का मैच है जैसा कि कोई स्क्रिप्ट काम नहीं आई है, इंडिया ने सीरीज जीत ली है, कल की मैच जो है वो डेड रबर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कल का मैच भी मुझे दोस्तों ऐसा ही लगता है क्योंकि सेम पिच है सेम ग्राउंड है, कल का मैच भी इंडिया आराम से जीत जाएगी और 4-1 से सीरीज जीत जाएगी, और हम सबका ध्यान जाएगा उसके बाद गौतम गंभीर की जो है कैप्टेंसी के ऊपर, उनकी कोचिंग के ऊपर, क्योंकि श्रीलंका की सीरीज शुरू होने वाली है, और साथ में दोस्तों ओलंपिक्स भी शुरू होने वाला है 27 जुलाई से, 26 जुलाई को जो है ओपनिंग सेरेमनी है, उसका भी अपडेट मैं आप लोगों के पास लेकर आता रहूंगा। इंडिया कप का कौन कौन सा मेडल जीत रही है वो शॉर्ट्स के जरिए मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, वीडियो भी हो सकता है कोशिश करूंगा बनाऊं कि क्या कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं इंडिया के लिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आपने कर ही दिया होगा वीडियो को, और जो भी आप कमेंट करना चाहें वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं, ये शुभमन गिल के बारे में, यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिम्बाब्वे के बारे में, इंडिया के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में, जिसके बारे में भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो। जल्दी ही दोस्तों, जल्दी क्या, कल ही वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि कल भी इंडिया का मैच है, वो हाल कैसा रहा, इंडिया ने क्या किया, जिम्बाब्वे ने क्या किया, वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।